अरा तुमने वग नहीं मारा, तुमने उस भाई का हाथ मारा है जिसने तुम्हें कभी आधा खून नहीं समझा, जिसने दादजी के सामने तो आवाज ऊंची की है मगर तुम्हारे सामने न कभी आवाज उठाई है और न ही सर। मैं और गुलमीना एक दूसरे से उतनी मोहब्बत करते हैं जितनी तुम दादजी से नफरत। रुचि थे यार खान, एक बात तो बताओ। हुक्म कर। कहीं हिकमत सच तो नहीं बोल रहा था? कहा खान, झूठ बोल रहा था, हाजी ने सिखा कर भेजा। हिकमत शरीफ आदमी, वो किसी लड़की से कैसे मोहब्बत कर सकता है? अगर ऐसी बात होती तो अब तक पूरे गांव में फैल चुकी होती। इस तरह के काम छुपते नहीं है। तुम्हें पशेमानी में डालने के लिए आजी ने उसको चाल चला कर भेजा, लेकिन खुदा का शुक्र है कि तुमने उसका झूठ को उसी वक्त पकड़ लिया। लेकिन फिर भी पता करो। देखा, हो गया ना आजी कामयाब, डाल दिया ना तुम्हारे दिल में शक। यकीन करो ये बात इतनी झूठी है जितनी ये कि इस वक्त रात के नहीं दिन के 10 बजे। और अगर सच हुई तो मेरी गर्दन काट देना। मैं सारा दिन गांव के बंदे तो बंदे कुत्तों की भी खबरें इकट्ठी करता रहता हूं। अगर हिकमत का जरगुना की बेटी से चक्कर चल रहा होता तो मुझसे चुप सकता था क्या? वैसे एक बात नहीं समझ आई खान, तुमने जरगुना के दरवाजे पे गक क्यों मारा? वक्त आने पर सब पता चल जाएगा। चलो रोटी खाएं।